नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है मौलिक अधिकारों में संशोधन। तो इनमें क्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो इसी कन्फ्यूजन को आज ख़त्म करते हैं, ठीक। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन, देखिए 1967 से पहले क्या होता था, जो संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती थी। 1967 से पहले संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती थी, लेकिन जब 67 में केस आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और ये कब आया, 67, याद कर लीजिए इसको, ठीक है, 67 में आया। तो इसमें न्यायालय ने आदेश दिया कि 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। तो गोलकनाथ वाले को आप याद कर लीजिए कि इसमें न्यायालय ने रोक दिया, ठीक है। क्या डिसीजन दिया इसमें, कि मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद नहीं कर सकती। 67 पहले वाले में क्रॉस, FL मतलब फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार शॉर्ट में लिख दिया। अब इसके बाद सरकार ने क्या काम किया, सरकार ने रास्ता खोजा, सरकार सदन को लगा या सरकार को, कि न्यायालय ने तो क्या है, हमारे जो अधिकार है, हमारी जो शक्ति है, उसमें कमी कर दी। तो इन्होंने क्या काम किया, सरकार ने संसद में 24वां संशोधन पास किया 71 में। 24वां संशोधन कब हुआ, 71, याद कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 24वां संशोधन हुआ 71 में हुआ, और इसमें क्या काम किया सरकार ने, मतलब सरकार संसद में ही काम करती है, ठीक है ना। तो जो अनुच्छेद 13 है और अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन कर दिया, और ये निर्धारित कर दिया कि 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार जो संसद है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। क्लियर। अच्छा, अनुच्छेद 13 एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद जो 13 है, अनुच्छेद 13 का मतलब है कि राज्य मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 13 में लिखा है कि राज्य का मतलब है भारत सरकार या संसद, ठीक, या राज्य सरकार या विधानमंडल, या भारत सरकार द्वारा नियुक्त जो भी प्रशासकीय अधिकारी, जैसे संघ शासित क्षेत्रों के जो होते हैं। तो राज्य का मतलब कोई एक स्टेट से मतलब नहीं है, राज्य अगर संविधान में लिखा है तो उसका मतलब क्या है, भारत सरकार प्लस संसद, या और राज्य सरकार या विधानमंडल, और भारत संघ, यानी कि संघ द्वारा जो डिप्यूट किए गए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो, ओके। तो इसमें 13 में क्या कहा गया कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों की शक्ति को कम करता है या उन्हें खत्म करता है। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों की शक्ति को खत्म करता है। लेकिन ये बात अनुच्छेद 368 के द्वारा किए गए संशोधनों पर लागू नहीं होती। क्लियर। किंतु ये बात अनुच्छेद 368 के द्वारा किए गए संशोधनों पर लागू नहीं होती, तो ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। पहले में क्या हुआ, गोलकनाथ वाला केस था, 67 से पहले संशोधन हो रहे थे पूरे संविधान में। गोलकनाथ वाले केस में क्या हुआ, 67 में न्यायालय ने डिसीजन दिया, ये निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के प्रक्रिया के अनुसार जो है संसद है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। तो इसका तरीका खोजा भाई जो न्यायालय था, उन्होंने किसको, 368 को आधार बनाया, और इन्होंने क्या काम किया, संसद ने इसी में संशोधन कर दिया, और ये निर्धारित कर दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला आया, ये इसमें डिसीजन 73 में हुआ है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये 73 में वाद हुआ, और इसमें कोर्ट ने
और इसमें क्या है, इस निर्णय को, इस संशोधन को इंप्लीमेंट कर दिया गया, यानी कि इसको विधि मान्यता मिल गई, कानून ने मान्यता इसको दे दी, संशोधन यहां हुआ, इंप्लीमेंट फिर इस केस में हो गया, मान्यता मिल गई। और साथ ही केशवानंद वाले केस में यह भी कहा गया कि प्रस्तावना भी संविधान का अंग है। इससे पहले क्या मानते थे कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना भी संविधान का अंग है, अतः इसमें भी संशोधन हो सकता है। तो इसका मतलब संशोधन हो सकता है, इसको इंप्लीमेंट कर दिया। और 42वें संविधान संशोधन फिर किया और मजबूत किया इसको, सरकार ने अपनी स्थिति को और मजबूत किया, यहां पे संशोधन किया, यहां इंप्लीमेंट किया, यहां और मजबूत किया। तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 76 में हुआ था, इसमें अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़ दिए गए, अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़ दिए गए, और इसमें ये एक संशोधन कर दिया गया कि न्यायालय में जो भी ये संशोधन होंगे, जो भी संशोधन होंगे उसको न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता, जो भी संविधान में संशोधन होंगे उसको न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता। ओके, 368 की प्रक्रिया के द्वारा, 368 की प्रक्रिया के द्वारा संविधान में जो भी संशोधन होंगे उसको न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता, यानी कि यू कैन नॉट गो टू कोर्ट अगेंस्ट दैट। आगे बढ़ते, लेकिन मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ केस हुआ, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 80 का केस हुआ, और इसमें कोर्ट ने, न्यायालय ने यह बोला कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय के पास है, न्यायालय का अधिकार है संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करना, अतः इस आधार पर जो न्यायालय है वो न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, संशोधनों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, क्योंकि हमारा संविधान का रक्षक कौन है, न्यायालय, अतः इस आधार पर संशोधन का या कोई सी भी कानून का न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और जो 42वां संविधान संशोधन की जो व्यवस्था थी, ये वाली 4-5 जोड़ दिया और ये 24 वाली थी, ये कर दी समाप्त, तो आज की डेट में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। क्लियर। अब क्वेश्चन लिखिए, एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें रोका, सबसे पहले न्यायालय ने इसमें रोका, फिर इसके अगेंस्ट सरकार ने स्टेप लिया, संसद ने क्या बोला, 24 में संशोधन, 24वां संशोधन हुआ और इसमें डिसाइड कर दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। नेक्स्ट वाले में केशवानंद में उसको इंप्लीमेंट कर दिया, 42 में उसकी स्थिति को और मजबूत कर दिया कि इसके अगेंस्ट कोर्ट में भी नहीं जाया जा सकता। लेकिन फाइनली जब मिनर्वा मिल केस हुआ तो उन्होंने बोला कि भाई हम जो है संविधान के रक्षक हैं, आधारभूत लक्षणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, तो इस आधार पर हम संशोधनों की न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। और इस बात से क्या हुआ, जो 42वां था कि न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया सकते, तो ये क्या हो गया, खत्म। और जो 24वां था, नहीं 24वां ठीक रहा, 42वां समाप्त हो गया, 42वां समाप्त हो गया। ओके, आप अच्छा क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। 24वां संविधान संशोधन कब हुआ, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद कब हुआ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद कब हुआ, केशवानंद भारती बनाम केरल, केशवानंद भारती बनाम केरल जो वाद है कब हुआ, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ वाद कब हुआ, चौबीसवें संशोधन के द्वारा संसद ने क्या निर्धारित किया, 24वें संशोधन द्वारा संसद ने क्या निर्धारित किया, प्रस्तावना संविधान का अंग है अतः उसमें संशोधन हो सकता है, यह किस वाद में कहा गया,
न्यायालय द्वारा। न्यायालय का अधिकार है कि वो संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करे। न्यायालय का अधिकार है कि वो संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करे। अतः न्यायालय जो है संविधान में किए गए किसी भी संशोधन की न्यायिक अवलोकन कर सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। ये किस वाद में कहा गया? ओके, तो एक बार इसको देखेंगे, एक बार वीडियो को देखिए और इसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर देंगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ। हाँ, मेरा आपसे कहना है कि देखिए, आपका जो भविष्य है आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे, सकारात्मक रखेंगे, सही दिशा में रखेंगे, अच्छे अच्छे विचार रखेंगे, तो मेरा यकीन मानिए निश्चित रूप से जो आपका भविष्य है वो भी उज्जवल होगा, वो भी अच्छा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन करना है अपने सोच को करना है, सही दिशा में, पॉजिटिव दिशा में, सकारात्मक दिशा में, तो स्वभावतः आपका जो भविष्य है वो भी अच्छा ही बनेगा। बस यही कहना था मुझसे आपको, और तो इसी के साथ वीडियो का समापन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।